एक साथियों, यात्रियों से भरी बस, महिलाओं से भरी बस, इस तरह से एक प्राइवेट बस साथियों ट्रेलर से टकराई है, जिसमें दोस्तों बता दें कि महिलाओं का ढेर लग गया। पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया, भयंकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जी हां दोस्तों, आपको देंगे पूरी जानकारी, निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेशनल हाईवे 68 पर आगे चल रहे ट्रेलर अचानक पंप डीजल भरवाने के लिए हाईवे से नीचे उतारा, पीछे चल रही प्राइवेट बस टकरा गई। बस में सवार 7 महिलाएं सहित 12 लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने प्राइवेट गाड़ी और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना बाड़मेर जैसलमेर रोड भाखड़ा गांव की है। सूचना मिलने पर ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची, वाहनों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार बाड़मेर जैसलमेर के बीच चलने वाली प्राइवेट बस रविवार को नेशनल हाईवे से बाड़मेर की तरफ आ रही थी। बस में करीब 15 से 18 सवारियां थी। भाखड़ा गांव के पास आगे चल रहे ट्रेलर अचानक डीजल भरवाने के लिए पंप की ओर मुड़ जाता है, साथ इतनी बड़ी संख्या में घायल पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने पर बाड़मेर SDM समुद्र भाटिया और ग्रामीण थाना SI हनुमान राम हॉस्पिटल में पहुंचे।